ये लीजिए संजू स्पेशल चाय। अरे वाह बेटा, चाय बनाने आती है तुम्हें? हाँ पापा, इन्हें घर के सारे काम करने आते हैं। हम लोगों ने सारे काम आधे आधे बांटे हुए हैं, जैसे खाना बनाना, नाश्ता बनाना इनका काम है, और घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, ये सब मेरे काम है। वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं बेटा तुम्हारे माँ बाप ने। जी माँ जी, उन्होंने कहा था कि अब घर दोनों का है तो काम भी दोनों के ही होंगे, और ये मेरे साथ जाके ऑफिस का काम कर सकती है, तो मैं घर रह के इसके साथ घर का काम भी नहीं कर सकता। ऐसा दामाद कहाँ मिलेगा आजकल के टाइम में। बिल्कुल। अच्छा आप लोग बैठ के बातें करो, मुझे कल के ऑफिस के लिए ना कपड़ों पे प्रेस करनी है। तुम बैठो, मम्मी पापा रोज रोज थोड़ी ना आते, कभी कभी तो आते हैं, तुम इनके साथ बैठ के बात करो, कपड़े प्रेस में कर सकते हो। देखिए कितना ध्यान रखता है हमारी बेटी का। हाँ माँ, ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, मेरी सब कामों में हेल्प करते हैं। सबको अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देनी चाहिए। सही कहा तुमने। ये लो चाय। थैंक यू बेटा। ठीक है, मैं मम्मी पापा को ना स्टेशन तक छोड़ के आ जाता हूँ। मैं भी चलती हूँ ना। थोड़ा बहुत तो अकेले में टाइम दे दो हमें, तुम्हारी चुगली भी तो करनी है कुछ। ज्यादा चुगली मत करना मेरी, और मैं बताऊंगी तुम्हें घर आने के बाद। ठीक है चलिए। जो गेट भी खुला पड़ा है, इतना भी ध्यान नहीं करते बच्चे। अरे मम्मी पापा आप आ गए। ये क्या कर रहा था तू? एक्चुअली माँ वो थोड़ी सौरा की तबीयत खराब है ना, तो बस इसलिए घर का काम कर रहा था। हमारी मदद तो तूने कभी नहीं की। माँ उसकी तबीयत खराब है, और वैसे भी सारा दिन वो लगी रहती है, अगर उसके काम में थोड़ा हाथ बटा भी दिया तो क्या हो गया। अच्छा मैंने तुझे यही सिखाया है कि तू घर के काम करे, लड़कियों वाले कपड़े धो, बर्तन धो। अरे माँ आप कैसी बात कर रहे हो, और इसमें गलत क्या है? अगर घर हम दोनों का है तो काम भी हम दोनों कर सकते हैं ना। अरे ठीक है ना, बस कर, ये बोलना कि तू जोरू का गुलाम बन गया है। अरे माँ वाह जी वाह, अपनी बेटी का पति उसकी हेल्प करे तो बहुत अच्छा है, कितना ख्याल करता है हमारी बेटी का, वहीं बहू का पति उसकी हेल्प करे तो वो जोरू का गुलाम बन गया। और तुम वहां संजू को क्या बोल रही थी? हर माँ बाप को ऐसी परवरिश देनी चाहिए, और तुम क्या सिखा रही हो अपने बेटे को? वो भी तो किसी की बेटी है, ये भी उसका पति है। जब तुम उन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखकर इतनी खुश हो सकती हो, तो इन दोनों को एक दूसरे की हेल्प करते हुए देखकर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? देखो अगर तुम ये चाहती हो कि हमारी बेटी भी पराए घर जाकर खुश रहे, तो जो दूसरे के घर से बेटी आई है उसको भी तो पहले खुश रखो। माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया। बेटा मेरी ही सोच गलत थी, जो मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं बहू मानती थी। तुम्हारी तबीयत खराब है ना, चलो तुम आराम करो, घर का सारा काम मैं देख लूंगी।